आज करीबन दोपहर में 2:30 बजे एक हादसा हमारे नजरों के सामने आया। बच्चे साइंस कॉलेज के पीछे, सैफाबाद साइंस कॉलेज के पीछे जो बस्ती है वहाँ पे खेल रहे थे और उनका बॉल साइंस कॉलेज के प्रीमाइसेस में घुसा। जब 12 साल का जीशान अलीशान उसको लेने वो अंदर कूदे तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, उसको खींच के नीचे गिरा। जब उसको खींच के नीचे गिराया उसके छाते में एक रॉड चुभकर जख्म हो गया बहुत बड़ा। बच्चा ब्लीडिंग कर रहा था पर वो बंदा उसे और मार रहा था और उसको उसके ऊपर ब्लोज डाल रहा था और उसको पूरी मारने का उसका इंटेंशन था। आज उसके बाद हम गए हॉस्पिटल में, बच्चे को एडमिट कराया गया। अफराज खानदान के साथ हम यहाँ पे हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ पर आके मुतालिबा किए हैं कि सख्त से सख्त उस पर इकदाम लेना चाहिए और सख्त से सख्त सेक्शंस उस पर लगना चाहिए। पुलिस महकमे से जब बात हो रही है तो ये बता रहे हैं कि इंटेंशन इसके नुकसान का कुछ नहीं है, इंटेंशन बहुत पुराना है। वहाँ के कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब है और ये लोग हैं बार बार उन बच्चों को डराते थे, धमकाते थे और ये बहुत पुराना पुराने तौर लंबे वक्त से चलते हुए आ रहा है। और ऐसे लोग जो बच्चों पे बेरहमी से हाथ उठाते हैं और उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त इकदाम लेना हमारी पुलिस की जिम्मेदारी है और हमें इत्मीनान देना भी इनकी जिम्मेदारी है। वही सिलसिले में यहाँ पे आए, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पूरी तौर पे सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे होगी। बच्चे का कंडीशन स्टेबल है और लोटस हॉस्पिटल में एडमिट है। इंशाल्लाह कल सुबह में प्लास्टिक सर्जन से बात हुई है, वो आएंगे सर्जरी करेंगे अच्छे से अच्छा इलाज कराने के लिए। मासूम बच्चा उसकी देखे तो जरूरत तरफ जाना, उसके बाप का हाल देखो, उसकी माँ की हालत देखो। अरे बाल लेने तो कूदा ना साहब, कहा आपने कूदे सो मैंने कूदा पंजाब वालों को प्रिंसिपल की सिक्योरिटी का एजेंसी इंचार्ज को भेज दो। असल तुम कंप्लेन लिखते तो प्रिंसिपल का नाम भी लिखना था, तुम वहाँ भी जल्दी आ रहे हो। इन्होंने 6 o'clock का है? नहीं 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 सर, 6:30 लिखे थे तुम साहब, आपको फिर से लिखे थे, मैं लिखे देता हूँ साहब, मैं फिर से लिखे देता हूँ। बोलना जो बोलना स्टेटमेंट ऑलरेडी हमारा ऐसे की भेजा। अरे बहन तो बोल तू बोलना जय मिलना भाई, स्टेटमेंट का क्या हैबत में थे वो टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है इसकी जोरू का गुस्सा था होगा इसके सर पे, वो इंटेंशन आप मालूम करना। हो सकता है इसके घर में टेंशन आते होंगे, वो इंटेंशन उन्हें यहाँ निकाला, वो इंटेंशन आप मालूम करना इन्वेस्टिगेशन में। शुरू में इंटेंशन अपन नहीं देखना बॉस, वैसा नहीं बोल रहे सर।